आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्लस निगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देर न करते हुए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट आता है तो लगाएंगे, नहीं आता है तो नहीं लगाएंगे। ये जो मल्टीपल कंडीशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। सेकेंड है पैसिव वॉइस में, वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, वाज द कारपेंटर मेकिंग द टेबल, वाज द कारपेंटर मेकिंग द टेबल। द कारपेंटर क्या है, इसमें सब्जेक्ट हो गया मेकिंग, वर्ब होगा द टेबल ऑब्जेक्ट। तो यहां पे सबसे पहले हमें लिखना है वाज एंड वर बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो द कारपेंटर क्या है, सिंगल नंबर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें लिखना है वाज। क्या लिखना है, वाज, ये सब्जेक्ट ही है बट यहां पे समझने के लिए हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। तो वाज द कारपेंटर मेकिंग द टेबल, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाज द टेबल, वाज द टेबल। उसके बाद से विंग का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो मेकिंग का हो जाएगा मेड बाई, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा द कारपेंटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। सेकेंड देखते हैं, वर यू नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन वाज, दिस इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सो वी यूज वाज ऑन वाज, और इसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद से विंग का प्रयोग करेंगे, बिकॉज इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में नहीं आया है, आई मीन नॉट आया है, तो इसलिए हम ऑन वाज के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। वाज ऑन वाज नॉट विंग मेड बाय यू इन द क्लास। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट रूल, जब वाक्य की प्रारंभ जब क्या से होता है तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसके बाद सेकंड रूल इसका देखते हैं, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। इसका पैसिव वॉइस देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर वर यू टीचिंग साइंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर वर यू टीचिंग साइंस। वेयर का वेयर ही लिखेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट के अनुसार, साइंस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसके अनुसार हम वाज का प्रयोग करेंगे, फिर साइंस हो जाएगा, फिर विंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से टीचिंग, टीचिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है टॉट, क्या होता है टी ए यू जी एस टी, टॉट आप लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं या ऐसे लिख भी दे रहे हैं, टॉट बाई यू होगा, Taught by you, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, when was he eating mangoes? अब यहां हम क्या करेंगे, तो when was, when के बाद से वर लगाएंगे, फिर mangoes लिखेंगे, फिर विंग हो जाएगा, और ईटिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है eaten, उसके बाद से लिखेंगे by, उसके बाद से हो जाएगा he का क्या होगा, him हो जाएगा। When were mangoes being eaten by him? तो ऐसे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव निगेटिव। मैंने पहले ही पढ़ा दिया था पार्ट वन में, और ये पार्ट टू में हमने पढ़ा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्लस निगेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट एंड सेकेंड रूल। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों या के पास शेयर कर सकते हैं, जो बच्चे वीक हों और जो एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हैं उनके पास आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी देखें और इसको बना सकें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।